रामलला के आगमन की तैयारी। अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बारी। सीएम योगी के बयान से मचा हड़कंप। बीजेपी के आगे नजर आया विपक्ष बेदम। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ कांग्रेस और राहुल गांधी को इतिहास याद दिला दिया, जिसके बाद सीएम योगी के बयान की चर्चा चारों तरफ हो रही है। तो आज सीएम योगी के ताजा बयानों पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहा सीएम योगी ने। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा काशी को लेकर अपना पक्ष साफ कर दिया है। उन्होंने बताया कि अयोध्या को लेकर उन लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो अब मंदिर वहीं पर बन रहा है। ऐसे ही मथुरा काशी के लिए न्यायालय के सामने सबूत दिए जाएंगे, फिर जो फैसला होगा उसे माना जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सारी बातें एक इंटरव्यू में कही है, जहां वो अयोध्या को एक नगरी ना मानकर पूरे विश्व की राजधानी बताते दिखे। वहीं उन्होंने उद्धव ठाकरे के गुट के संजय राउत के आरोपों का भी जवाब दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि राम मंदिर का गर्भगृह ठीक स्थान पर नहीं बना है। सीएम योगी ने राउत के सवाल पर कहा कि प्रभु राम का मंदिर ठीक उसी जगह पर बना है जहां उसे होना चाहिए था। सीएम योगी बोले कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे तो खुद इसके दर्शन कर चुके हैं, अगर उन्हें ऐसा कुछ लगा था तो उन्होंने पहले सुझाव क्यों नहीं दिया, अब अंगूर खट्टे हैं तो कोई भी बोल सकता है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि हमारी पूरी लड़ाई वही थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, अब मंदिर वही उसी जगह बन रहा है। वेदों में अयोध्या को सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी के रूप में सम्मानित किया गया है, अयोध्या उसी रूप में सुसज्जित हो रही है। उन्होंने अयोध्या में आए बदलाव की बात करते हुए कहा कि 10 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ 4 लेन सड़क बनेगी, मगर आज शहर के पास सुख सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन है, जो कि एक समय में छोटी सी रेल लाइन हुआ करता था। यहाँ अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है। सरयू नदी पर पहले सरकारें गोलियां चलवाती थी, अब यहाँ क्रूज चलते हैं। शहर के अंदर आज 4 लेन सड़क है। शहर के पास आज बढ़िया सुख सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन है, जो कि एक समय पर मात्रा छोटी रेल लाइन वाला स्टेशन हुआ करता था। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है। आज से 10 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस शहर में इतना विकास होगा। जिस सरयू नदी पर पहले की सरकारें गोलियां चलवाती थी, आज हमने वहां क्रूज चलवा दिया। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पॉलिटिकल इवेंट बताने वाला बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस को इस तरह का पॉलिटिकल इवेंट कराने से किसने रोका था। कांग्रेस ने 1948 से एक लंबे समय तक देश में सरकार चलाई, उन्होंने ऐसा कोई इवेंट क्यों नहीं किया। योगी ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो 2004 से सांसद हैं और पीछे से सरकार चलाते आए हैं, ये तो किसी से छिपा नहीं है, तो राहुल जी ने ऐसा क्यों कोई इवेंट क्यों नहीं करा लिया। सीएम योगी ने आगे कहा कि वो हमेशा से भारत के संविधान का अपमान करने वाले इवेंट ही कार्यक्रम कराते आए हैं, वो तो संसद में कागज फाड़ने का इवेंट करते आए हैं, अगर ये पॉलिटिकल इवेंट है तो कांग्रेस को ऐसा करने से किसने रोका था। 1948 से एक लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई हैं, उन्होंने ऐसा कोई इवेंट क्यों नहीं किया। राहुल गांधी तो 2004 से सांसद हैं और काफी समय से सरकार पीछे से चलाते आए हैं, उन्हें ऐसा इवेंट करने से किसने मना किया था। राहुल गांधी हमेशा बस भारत के संविधान का अपमान करने वाले इवेंट कराते आए हैं। योगी ने आगे कहा कि ये काम जो अब होने जा रहा है, ये काम पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले की सरकारों ने कोर्ट में सही से पैरवी नहीं की, यही वजह है कि ये मुद्दा इतने सालों तक लटका रहा। उन्होंने कहा कि मुझे एक स्थान के लिए प्रमाण देना पड़ा, लेकिन अब अयोध्या में न्याय और सत्य की स्थापना हो रही है और उसका वैभव लौट रहा है। अयोध्या से कुछ लोगों ने विद्वेष रखा। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव का शुभारंभ अयोध्या से किया था,
वोट बैंक की राजनीति तो कांग्रेस ने की है राम के नाम पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस कार्यक्रम में आने से किसने रोका। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमें एक स्थान के लिए प्रमाण देने पड़े। हम लोग लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़े, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। एक जगह जहां पूरे देश के साथ साथ विदेश में राम के नाम की गूंज है, तो वहीं राम मंदिर के शिखर के निर्माण से पहले प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। विपक्ष द्वारा लगातार लगाए जा रहे इस आरोप पर योगी ने अपना जवाब दिया और कहा कि हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं, अनुष्ठान उस विग्रह का होता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा हो। अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है वो शास्त्रों की पद्धति के तहत हो रहा है। वहीं शंकराचार्य के न आने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट ने हर धर्माचार्य को न्योता भेजा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बड़ा कोई भी धर्माचार्य नहीं है। यह अवसर श्रेय लेने का नहीं है। अयोध्या अपने पुरातन वैभव के लिए फिर से स्थापित हो रहा है। अयोध्या अब केवल एक नगरी नहीं है बल्कि विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। एक सवाल के जवाब में योगी ने कहा कि हमें प्रभु पर पूर्ण विश्वास था कि राम मंदिर बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भगवा में इतना आकर्षण है तो हम चाहते हैं कि पूरा देश भगवामय हो जाए। मुख्यमंत्री ने अयोध्या आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि राम मंदिर को लेकर ये आंदोलन 1528 से 2019 तक चला। इस अवधि पर 76 आंदोलन हुए। इन आंदोलन में लगभग 3 लाख राम भक्त शहीद हुए। योगी ने कहा कि मैं राम मंदिर आंदोलन का एकमात्र सिपाही हूं। वहीं मथुरा काशी पर जब सीएम योगी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये विषय अभी न्यायालय में है। हमने रामलला के लिए 500 सालों तक संघर्ष किया। हमने मर्यादित ढंग से ही न्याय और सत्य की विजय प्राप्त करने के बाद ही रामलला का मंदिर बना रहे हैं। ऐसे ही हम इस मंदिर को भी न्यायालय के जरिए ही हल करेंगे। हम हर सबूत कोर्ट के सामने रखेंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं जब सीएम योगी से कृष्ण मंदिर की तारीख पूछी गई तो इस पर उन्होंने कहा, सब कुछ कानूनी तरीके से किया जाएगा। प्रभु की तारीख हम कैसे तय कर सकते हैं? जब प्रभु की इच्छा होगी तब ये सब हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर और मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। दरअसल जब से ज्ञानवापी का मुद्दा उठा है उसी समय से ये बात कही जा रही है कि ज्ञानवापी मामले में भी अयोध्या वाली राह पर आगे बढ़ रहा है। फिर सर्वे की अनुमति ने इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया। जिस तरह से ज्ञानवापी मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की भूमिका अहम मानी जाती रही, वैसे ही अयोध्या मामले में भी अहम मानी गई थी। एएसआई के रिपोर्ट के आधार पर ही राम जन्मभूमि मामले में फैसला आया था। वहीं काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1949 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1670 से वो इसे लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद बनी थी। ऐसे में जहाँ अयोध्या में श्री राम लला के विराजमान होने की तारीख नजदीक है, देश से लेकर विदेश तक में राममय का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी को लेकर विवाद जारी है। ज्ञानवापी को कई आदि विश्वेश्वर महादेव और श्रृंगार गौरी का मंदिर बता रहे हैं तो कोई मस्जिद। अयोध्या की तरह ही जब कोर्ट का फैसला आएगा तभी इसका समाधान होगा। और सीएम योगी ने अपने ताज़ा बयान से संकेत दे दिए हैं कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।